जोड़कर आंखें बंद करके हम विघ्नहर्ता सुखकर्ता गणपति महाराज को हम आह्वान करेंगे। मानस पूजा के माध्यम से आज हम उनको निमंत्रण देंगे कि प्रभु इस राम कथा में पधारें, निर्विघ्न इसे संपन्न करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्वे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। हम इसी कड़ी में वाणी, ज्ञान, स्वर, संगीत के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती को भी नमन करके उनकी कृपा से हम इस वाणी के माध्यम से राम कथा को कह पा रहे हैं। उन्हें भी मां शारदे को नमन करते हुए आइए हम हनुमंत लाल की, जिस पर आज मैं विशेष चर्चा करूंगा, उस पर हम आज बहुत सी बातें करेंगे। लेकिन उस रोज हम ये प्रार्थना करते हैं लेकिन हमें इसका अर्थ नहीं मालूम। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुज बल कृषानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान वानरा नाम दीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज इस कथा में किसी न किसी रूप में हमारे इस प्रार्थना को स्वीकार कर पधारते हैं। आंखें खोलिए, सीधे बैठिए और इस कथा का, आज की कथा इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसका नाम सुंदर कांड है। कांड में सुंदर सतही तौर पर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। मैं उस पर चर्चा करूं उससे पहले कीर्तन करें मनमोहन जी, तब तक ही बैठे। बोले गुरु श्री रामचंद्र भगवान की। जय रघुनंदन जय सियाराम जानकी वल्लभ सीता, श्री रामचंद्र भगवान की।
मतंग आश्रम में माता अंजना ने 10 साल तक तपस्या की। आकाशगंगा के इस पावन तीर्थ में 10 साल की तपस्या के बाद वायु देवता ने प्रसन्न होकर उनको अपना शक्तिशाली पुत्र आंजनेय के रूप में, हनुमान के रूप में प्रदान किया है। हनुमान पुराण में दूसरी कथा आती है, इधर ये बच्चे अगर शांत नहीं होंगे तो मैं कथा नहीं करूं, इनको आगे बिठा दो। यहां प्रथम दिवस मैंने आपसे चर्चा की थी कि हनुमान जी राम जी के भ्राता हुए, जब केकई को दूसरे स्थान पर खीर प्रसाद दिया गया, उसने उसे गुस्से में फेंका और एक चील ने झपट्टा मारा है। यहां माता अंजनी भगवान से प्रार्थना कर रही है, ये प्रभु की कृपाई है या उन्हीं की लीला है, वो प्रसाद उन्हीं के हाथ में गिरा है और उन्होंने इसे प्रसाद समझकर ग्रहण किया है और हनुमान जी महाराज की उत्पत्ति हुई है। एक और प्रकरण है, भगवान शिव ने विश्व मोहिनी के उस स्वरूप को देखने की, दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। कामहारी स्वयं साक्षात विश्व मोहिनी पर मोहित हुए भगवान शिव, विष्णु ने मना किया, प्रभु आपको मैं क्या लीला दिखाऊं। तब भगवान शिव के अमोघ वीर को कान के द्वारा अंजनी के प्रवेश कराया और वहां हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी को एक पिशाच ने नियमित, कई बार हम बिना सोचे समझे कुछ काम करते हैं लेकिन उसके भी अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। शौच इत्यादि से बचने के जाने के बाद जो थोड़ा बहुत पानी बच जाता था लोटे में, वो तुलसीदास जी एक पेड़ में डाल दिया करते थे। उस पेड़ में एक पिशाच रहता था, वो उससे तृप्त हो जाया करता था। उसने एक दिन तुलसीदास जी को पकड़ लिया कि बोलो तुम क्या चाहते हो। तुलसीदास जी ने कहा मैं तो कुछ चाहता नहीं, अगर कर सकते हो तो एक काम करो, मुझे राम जी से मिला दो। तो पिशाच ने कहा कि मैं राम जी से तो नहीं मिला सकता लेकिन हनुमान कहां आते हैं मैं बता सकता हूं, क्योंकि जहां जहां राम कथा होती वहां हनुमान आते हैं और मैं उनको पहचानता हूं। कथा में सबसे पीछे गंदा आदमी कोड़ी के रूप में हाथ टेढ़े जो है वही हनुमान है। और कहते हैं तुलसीदास जी ने हनुमान जी को पहचाना, हनुमान जी पहले तो उनके वश में आए नहीं है। मैं एक सिंपल साधारण कोड़ी व्यक्ति, मैं हनुमान को जानता जरूर हूं, तुम कैसी बात कर रहे हो। लेकिन तुलसीदास की अनन्य भक्ति से प्रभावित होकर हनुमान जी उनसे मिले और उनसे वादा किया कि मैं आपको राम जी से मिलाऊंगा। आप सब जानते हैं राम जी और तुलसीदास जी का मिलन हुआ, पहचानने से भूल गए, तभी ये दोहे का जन्म हुआ। हनुमान जी ने कहा है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की सेवा तिलक करे। जीव और शिव का मिलन आज भी संभव है। आखिरी दिन मैं आपको ताजा घटना बताऊंगा जहां ईश्वर की उपस्थिति का एहसास व्यक्ति को किस तरह हो सकता है। ये अनुभूति अपने मन के भावों की अनुभूति है। मैंने भी इस बात को, मैं कोई तपस्वी नहीं हूं ना, मैं एक संसारी व्यक्ति हूं, लेकिन ईश्वर के प्रति मेरी आस्था है और वो आस्था मेरी उपासना के भावों में परिवर्तित होकर, पूजा पाठ के माध्यम से सही, जो मेरी आदत नहीं है, इसे समझना।
पूजा पाठ आदत बना लेना एक अलग विषय है और पूजा पाठ को स्वभाव बना लेना दूसरी व्यवस्था है। यदि आपका स्वभाव पूजा पाठ नहीं केवल आदत है कोरी, क्योंकि सुबह रोज करना ये आदत हो गई है, तो भगवान आपको नहीं मिलने वाले। ईश्वर की प्राप्ति आपके स्वभाव से होती है। आपका भाव कितना महत्वपूर्ण है, स्वयं के भावों से जो पूजा की जाती है। आप सवेरे सवेरे हमने मानस पूजा की, भगवान को याद किया, ना हमारे पास पुष्प है, न षोडशोपचार पूजन है, न पंचोपचार पूजन है। हमने केवल अपने वाणी के माध्यम से भगवान से प्रार्थना की कि हम ये शब्दों के पुष्प तेरे चरणों में अर्पित कर रहे हैं, और गणपति महाराज भी आए होंगे, हनुमान जी किस रूप में, किस बालक के रूप में, इन बच्चों के रूप में, किसी जानवर के रूप में, एक चींटी के रूप में, पता नहीं किस रूप में हनुमान जी इस सभागार में उपस्थित। व्यासपीठ से मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन कल जिन छात्रों ने यहां रिसेस टाइम में पटाखे चलाए, उनका राम कथा में आना निरर्थक है। वो सारे पुण्य उनके उस एक कृत्य से धुल गए। उनको बड़ा आनंद आता है कि चलिए पटाखा चला, विस्फोट हुआ, हंसी आई, मजाक हुई, अरे चलो किसी को पता ही नहीं चला, प्रांग फूटा और हो करके। ये दुष्टता है, ये मन की दुष्टता है, ये नीचता है। जो नीच कर्म करते हैं उनके प्रतिफल उनको भुगतने पड़ते हैं। आप ये मत समझना कि आप ऐसा काम करोगे और आपको कुछ नहीं होगा, आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जब सदकार्य चल रहा और उसमें विघ्न करते हैं तो उसके परिणाम भी अनुचित मिलते हैं। इसलिए जो जो ऐसा करना चाहे अवश्य करना, उसके परिणाम भी भुगत लेंगे। मैं यहां से बैठकर किसी के अमंगल की कामना कभी नहीं कर सकता। मैं आपके सबके लिए मंगल की कामना करता हूं, लेकिन यदि राम कथा भी आपके जीवन में परिवर्तन न ला सके तो आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सके। यहां बहुत सुंदर प्रार्थना की है, संस्कृत की प्रार्थना है, हनुमानम अंजनी सुनु वायु पुत्र महाबल रामेष्ट फाल्गुन सख पिंगोक्ष मित विक्रम। तुलसीदास जी केवल हिंदी के नहीं, अवधी के नहीं, मैथिली के नहीं, संस्कृत के भी विद्वान थे। उन्होंने नाम दिया पहला हनुमान। हनुमान नाम किसने दिया? इंद्र ने। जब सूर्य को फल समझ के खा लिया तो इंद्र को लगा कि मेरे लोक पर इन दानवों का कुछ असर है, और इधर राहु आ रहा है, उसने देखा कि ये तो मेरे से पहले बड़ा राक्षस कौन मौजूद है, मैं सूर्य को खाने आ रहा हूं, ग्रसने आ रहा हूं, ये पहले से कौन मौजूद है। तब इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया और यह हनु यानी ये हड्डी टूटी है और बेहोश हुए हैं। वायुदेव कुपित हुए हैं, हवा का चलना रुक गया है, ब्रह्मा विचलित कि मेरी सृष्टि में हवा नहीं चलेगी तो जिंदा कौन रहेगा। सारे देवी देवता इकट्ठे हुए हैं उस बालक हनुमान को आशीर्वाद देने। इंद्र ने क्षमा मांगी है वायुदेव से, वो क्षमा करे, मुझे नहीं पता था, ये किसी भी शस्त्र से इस मैं आशीर्वाद देता हूं कि न इंद्र से न ब्रह्मास्त्र से, दुनिया के इस सृष्टि के किसी भी अस्त्र से इस बालक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सूर्यदेव ने उसको तेज प्रदान किया है, अग्निदेव ने उनको सिंदूरी रंग चमक स्वर्णमयी आभा प्रदान की। तुलसीदास जी ने यहां, मैं आज राम कथा कम और सुंदरकांड के पीछे के भावों को ज्यादा कहूंगा, इसे समझना। जीवन में ये मेरी शोध है जो मैं आपके सभी के हृदय में बैठे ईश्वरी तत्व को उनके श्री चरणों में ये समर्पित कर रहा हूं। मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे प्रेरित किया कि मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से, अपनी वाणी सेवा के माध्यम से आप सबके अंदर बैठे उस ईश्वरी तत्व को राम कथा सुना सकूं। यदि यहां बैठे एक व्यक्ति भी ने
राम जी के एक गुण को भी अगर जीवन में अपना लिया मेरी कथा को सार्थक समझूंगा। कल एक मुसलमान लड़की मेरे पास आई, उसने बहुत सुंदर पूरा चित्र खींचा है। मैंने मेरे जीवन में कभी राम कथा नहीं सुनी, लेकिन आप जितनी सुंदर राम कथा सुना रहे हैं, उसने पूरा एक पत्र लिखा है, वो फिर कभी प्रार्थना में सुनाएंगे। वो कहां बैठी है बालिका? अच्छा, आज वो झांकी में है, बहुत अच्छी बात है। बच्चे तो बच्चे, उनके परिवार, मुसलमान परिवार के लोग भी यहां कल कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए थे, ये इस बात का द्योतक है। हम शाहरुख खान का चित्र अपने घर में लगाते हैं, नायक समझकर लगाते हैं, ये समझ के नहीं कि वो हिंदू है या मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। हम आमिर खान को भी हीरो मान लेते हैं। जब उनको हम हीरो मान सकते हैं, मानते हैं, तो हनुमान जी का चित्र कोई मुसलमान लगाए या बुद्ध धर्म वाला लगाए या जैन धर्म वाला लगाए तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? एक नायक का चित्र घर में लग सकता है तो एक महानायक का चित्र क्यों नहीं लग सकता? उसके बल अतुलित बल धामम, रोंगटे जिसके ना खड़े हो अगर हनुमान जी की कथा को सुनते हुए तो वो पुरुष ही नहीं है, वो मनुष्य ही नहीं है। ये बालिका देखिए, इसके लिए श्री राम जय राम बोलिए। क्या नाम बेटा तुम्हारा? ये महरीन, इस महरीन ने पूरी पत्र लिखा और ये इस बात का द्योतक है। देश के राजनीतिज्ञों को भी ये बात समझनी चाहिए कि जात पात और धर्म के नाम पर देश को नहीं बांटा जा सकता। मुझे जो शांति आपने अभी दिखाई है वही शांति नियमित रहे, हिलना भी नहीं है। आपको इतना आनंद आएगा आज इस कथा में। दूसरा कहा अंजनी के पुत्र, तीसरा कहा वायु के पुत्र, चौथा कहा महाबलवान, राम के प्रिय, फाल्गुन के मित्र, पराक्रमी आंखों वाले, समुद्र को पार करने वाले, सीता के शोक को नाश करने वाले, लक्ष्मण के प्राण बचाने वाले, रावण के अभियान और लंका को नष्ट करने वाले, ऐसे कपिंद्र, ऐसे कपिंद्र के 12 नामों का जो जाप कर लेता है उसको जीवन में कोई संकट नहीं रहता। जब शिवजी ने कहा कि राम जी अवतार ले रहे हैं तो पार्वती जी, सती मां, पार्वती जी नहीं सती, वो नाराज हुई कि आप कैसे हो, ये रावण का वध करने के लिए अवतार ले रहे हैं, रावण आपका अनन्य भक्त इतनी पूजा करता है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप हनुमान के रूप में अवतारित हो रहे हैं, ये अनुचित है। उन्होंने कहा नहीं, उसने मेरे 10 रूपों में, दशानन नाम, 10 सर काट के 10 रूपों में पूजा की, 11वें रुद्र की उसने पूजा नहीं की। 11वें रुद्र के रूप में उसने मेरी पूजा नहीं की, इसलिए 11वें रुद्र के रूप में मैं प्रकट होकर उसका अंत करूंगा। लेकिन मैं फिर कहां रहूंगी? सती मां ने पूछा मैं कहां रहूंगी? तो शिवजी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि ये पूंछ के रूप में, योग माया के रूप में मेरे साथ रहना। तो हनुमान जी की जो पूंछ है वो योग माया है, ये बहुत चमत्कार दिखाएगी आगे। हाँ, लंका में बड़ा आनंद आएगा आज आपको, ये छोटे छोटे बच्चे भी एक आनंद लेंगे। बोले बजरंग बली की। प्रभु से जो प्रेम करे वह जीवन अपने आप को, अपने जीवन को आनंद से भर देता है, और जो प्रभु पर थोड़ी सी भी शंका करता है
किसी को भगवान मिल जाते हैं, दिख जाते हैं, अनुभव हो जाता है। भगवान दिखते तो नहीं, दर्शन करने इस कलयुग में कोई एक व्यक्ति होता है जिसको ईश्वर के दर्शन होते, वरना तात्विक रूप में किसी न किसी माध्यम से। अगर शेषावतार लक्ष्मण जी महाराज है, वही शेषावतार कल्ला जी बावजी हैं जो हमारे यहां बैठे हैं भीमसेन जी, इनको भी वो तत्व का दर्शन होता है, इसलिए इनके श्रीमुख से कल्ला जी की वो वाणी प्रस्फुटित होती है आशीर्वाद के रूप में। यहां राम जी नहाने के लिए प्रवर्षण पर्वत से नीचे उतरे तो उन्होंने तीर जमीन में गाड़ा, तीर यूं नीचे नहीं रखते तो उन्होंने जमीन में खड़ा किया है। वहां एक मेंढक को जाकर हल्का सा वो तीर लगा है। राम जी ने उससे पूछा कि तू बोला क्यों नहीं, क्या पूछा, तू बोला क्यों नहीं? उसने कहा, प्रभु कोई मनुष्य मारे तो आपको याद करूं, जब आप ही मारे तो मैं किसे याद करूं। जिसको मनुष्य मारे उसको राम जी तार सकते हैं, लेकिन जिसको राम जी ही मारे उस रावण को भी कोई नहीं तार सका। सीधे चौपाई से हनुमान जी की आराधना के माध्यम से सुंदर कांड प्रारंभ होता है। सुंदर कांड में सुंदर तो कुछ नहीं है, फिर सुंदर कांड नाम क्यों रखा, क्या जरूरत है सुंदर कांड को सुंदर कांड नाम देने की? लंका जलाइए, अशोक वाटिका उजाड़ डालिए, रावणों को मुष्टि, सब रावण के साथियों को मुष्टि प्रहार किया है, मेघनाथ की ठुकाई हुई है, अब अक्षय कुमार की ठुकाई होके मार डाला है, इतना असुंदर तो है सब कांड, काय को सुंदर कांड है। जब अयोध्या थी, अयोध्या कांड, अयोध्या में थे तो अयोध्या कांड था, लंका में गए तो लंका कांड था, अरण्य में घूमे तो अरण्य कांड था, बालक जीवन था तो बाल कांड था, इसका नाम तुलसीदास जी ने सुंदर कांड क्यों रखा? इसी पे चर्चा। पहली चौपाई क्या है, सभी मैं बोलूंगा आप बोलेंगे, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत ने बहुत सुंदर वचन बोले हैं, और इतने सुंदर वचन बोले हैं जिनको, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि ये महात्माओं की उपासना का है। बड़ी विचित्र बात है, कहा तो इसमें लंका दहन और हनुमान जी का तांडव है, शिव तो है ही है, वो तांडव किया है, इसके मुष्टि प्रहार, इसके पंगुलात, पंगुलात मतलब पांव से किक, कराटे, किक बॉक्सिंग, और रूप का सुंदर है हनुमान जी का, किसी के दो चार घोंसे पड़ गए सूझ जाए तो क्या बोलते, और बढ़िया ठुकाई की साले के हनुमान हो, क्या बोलते हैं इसको, ठोका और आज हनुमान बना दिया मार मार के, गलत है, नहीं बोलना चाहिए ऐसा। हनुमान जी को जो इस रूप में देखता है वो दुष्ट, हनुमान जी बहुत सुंदर है। हर व्यक्ति के अंदर, किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, जिसे भी परखना 10-20 बार परखना, क्योंकि हर इंसान में होते हैं 10-20 अंग। कभी आपने देखा क्रोध में आपकी शक्ल कितनी कैसी होती है, गला सूख जाता है, अजीब सी मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है, थूक निकलना शुरू हो जाता है, जुबान चिपकना शुरू हो जाती है, जो बहुत सुंदर लग रहा था आधे घंटे पहले वही कुरूप लगने लग जाता है, यूं करके फड़फड़ाने लग जाता है, हाँ अजीब, और क्या हो रहा है तेरे को, नहीं मैं आज उसको, हाँ क्रोध, क्रोधवंत हनुमान जी क्रोध में भयंकर रूप धारण करते हैं, लेकिन जब मां सीता के सामने होते हैं तो करुणा निधान, एक्सप्रेशन बदल गया। जिसे भी परखना 10-20 बार परखना, क्योंकि
क्योंकि हर एक में होते हैं 10-20 आप। यहां हनुमान जी को सीधे शब्दों में यूं कोई सुंदर नहीं कहेगा। भगवान ने जब मोहभंग करना था नारद का मोहभंग करना था, तो हनुमान जी ने उनको क्या रूप दिया, यानी शंकर ने, यानी विष्णु ने, क्योंकि शंकर के आदेश पर ही विष्णु ने कहा कि नारद मोहग्रस्त है, इसको यह अहंकार हो गया कि मैंने काम पर विजय पा ली है, प्रभु इसका कोई ना कोई रूप तय करिए। तो विकृत स्वरूप उनको प्रदान किया है। राम जी की जब कृपा होती है तभी राम कथा में आने का अवसर होता है, और हर वर्ष हमारी जब भी राम कथा होती है हमारी उदयपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती रजनी जी डांगी मेरी बड़ी बहन है, इनका स्नेह हम पर है, आलोक के साथ सीधी जुड़ी हुई है। मैं व्यासपीठ पे कथा में ज्यादा विक्षेप न करते हुए उनका शब्दों से अभिनंदन करता हूं, और यही प्रार्थना करता हूं कि इस राम कथा के कुछ पलों में ही आपको प्रभु श्री राम हनुमान जी आ चुकी सुंदर कांड है, आपको आशीष दे और आपके मार्ग को प्रशस्त करें ताकि आप इस उदयपुर को और अत्यधिक सुंदर बना सकें। यहां सुंदर कांड की चर्चा हो रही है, इधर ध्यान बच्चों, ये स्थान आधारित कांड नहीं है, अयोध्या स्थान आधारित कांड है, अयोध्या में गए इसलिए अयोध्या कांड हुआ। ये सुंदर क्यों है, ये प्रश्न मुझे कल एक अध्यापिका तरुणा दीदी ने मुझसे किया। हम प्रश्न नहीं करते, अपने आप से प्रश्न नहीं करते, ये हमारी कमजोरी। मैं क्या काम कर रहा हूं, अपने आप से प्रश्न करिए कि मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं। जो व्यक्ति अपने आप से प्रश्न करना शुरू कर देता है वह जीवन में कभी गलत कदम नहीं उठाता। प्रश्न कर इस कांड में सिवाय सीता जी के पता लगाने के और कुछ भी सुंदर नहीं है, न कोई सुंदर पात्र का जिक्र है इसमें कि कोई अप्सरा आई हो, ऐसा भी नहीं। लेकिन तुलसीदास जी ने इसके अंत में लिख दिया कि जो इस सुंदर कांड को आदर सहित सुनेंगे, भावना सहित सुनेंगे, वो इस भव सागर से पार हो जाएंगे। सुंदर कांड के प्रथम दो श्लोक हनुमान के स्वामी यानी प्रभु श्री राम जी की वंदना की है, तीसरे श्लोक में स्वयं तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना की है। और ये अब मैं उस सूत्र पर आता हूं जिसके लिए आप बैठे हैं। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर काम किया। जिसको चिट्ठी लिखने का शौक है 2 पेज की 3 पेज की वो चिट्ठी लिखे, यानी कि पूरा रामचरितमानस पढ़ ले। उसको समय नहीं है तो ईमेल कर ले, और वो ईमेल है सुंदर कांड। लेकिन ईमेल लिखने का भी समय नहीं है, एक एसएमएस लिख दे, वो एसएमएस है हनुमान चालीसा। लेकिन इतना भी समय नहीं है, कौन टाइप करेगा, सीधी बात करनी है हनुमान जी से, सीधे बात करनी है, वो आप सबको नहीं पता है। आज हनुमान जी से सीधे बात करने का जो मंत्र है उस पर मैं चर्चा करूंगा, ये इसके लिए पैसे लगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। ये राम नाम के पैसे यदि आप हनुमान जी के चरणों में अर्पित करेंगे, वो बुजुर्ग मूर्ख नहीं है जो राम नाम की माला लिखकर कॉपियों में राम राम लिखकर करते हैं, वो बैंक बनाते हैं, हमको सोचते हैं इसकी क्या कीमत है। इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई कीमत आग भी नहीं सकता, क्योंकि ये अमूल्य है। कल मैंने आपसे एक बात कही थी, भंवरा जब
रस पीने जाता है तो गुनगुन करता है, जब तक रस नहीं पीता वो गुनगुन 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 करता रहता है। लेकिन जो ही पुष्प पर बैठता है रस को खींचता है, शांत हो जाता है। जीवन में जो राम नाम के रस को पी लेता है वो सदैव शांत हो जाता है। तो जिसे हनुमान जी से सीधी बात करनी हो, तुम रोज बोलते हो वो मंत्र, ये हनुमान जी से सीधा संवाद है, इसे याद कर लेना। कहीं भी संकट आए हनुमान चालीसा याद नहीं है, सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते, रामचरित मानस नहीं पढ़ सकते, तो ये बोल देना। क्या बोल देना? अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुज बल कृशानु ज्ञानी नाम अक्रकण्यम सकल गुण निधारम वानरा नाम दीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। मतलब क्या है इसका? सर आपने इतनी सारी बोल तो दी, इसका मतलब भी तो समझाओ। हनुमान तो बल है, किसी को शंका नहीं इस बारे में। सभी जानते हैं हनुमान जी बलशाली है, इसीलिए तो 100 योजन लंका के लिए उड़ गए विराट स्वरूप लेकर। अतुलित यानी अतुल्य, किसी से तुलना नहीं कर सकते, ऐसा बल किसके पास है? हनुमान जी के पास है। लेकिन क्या कहा? अतुलित बल हनुमान, ये नहीं कहा। समझना इसको थोड़ा सा, ये गूढ़ बात है। अतुलित बल धामम, धाम क्या बोला? धाम का मतलब है वो पवित्र स्थान जहां पर जाकर स्वयं वाइब्रेशंस पॉजिटिव होने शुरू होते हैं। ये मैनेजमेंट का फंडा है। जो स्वयं अतुलित बल के धाम है, यानी केवल बल नहीं है, वो स्वयं पूरी तरह एक तीर्थ की तरह धाम है। ऊपर से नीचे तक हनुमान जी का कोई भी चित्र देखिए, यदि गदा लेके बैठे तो भी आपको उन पर मन में ये भाव पैदा होता है कि अरे कितने सुंदर है। तो सुंदर उनका चेहरा सुंदर नहीं, वानर है, बंदर जैसे ही तो दिखते हैं। ये आपके मन के भाव है। तो वो क्या है? वो इतना पवित्र धाम है जिसे देखकर मन गदगद होता है हनुमान जी को। और कैसी विचित्र बात है, दुनिया में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि प्रभु का दास, भगवान का दास दुनिया में सबसे ज्यादा पूजनीय हो जाए, ऐसा विश्व इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण। राम जी के बहुत मंदिर होंगे, लेकिन इतने मंदिर नहीं है जितने हनुमान जी के हैं। आप किसी भी गली कूचे में चले जाइए, अपने हिरणबंगरी में घूम लीजिए, आपको हनुमान जी के मंदिर खूब मिल जाएंगे। पीछे भी हनुमान जी का मंदिर, सामने भी हनुमान जी का मंदिर, अपने यहां भी राम जी के मंदिर नहीं मिले। राम जी के मंदिर ज्यादा हो नहीं सकते क्योंकि राजा है, उनकी व्यवस्था अलग है। सिंहासन चाहिए, दोनों समय भोग चाहिए, आरती व्यवस्थित चाहिए, उनके श्रृंगार चाहिए। हनुमान जी को कुछ नहीं चाहिए, पेड़ पे लटकाओ, फल खिलाओ, सिंदूर चढ़ाओ, तेल चढ़ाओ, हो गया हनुमान जी का पूजन। दुनिया में पहला ऐसा उदाहरण है कि जो दास व्यक्ति है वो भगवान से ज्यादा पूजनीय हो गया गली गली पूछे पूछे में। इसलिए क्योंकि वो अतुलित बल धाम अपने आप में ही धाम की तरह स्थापित है। इसलिए पहली पंक्ति में बोला है अतुलित बल धाम, बहुत गहरा शब्द है। पवित्र कल्याण करने वाली जो स्थली है वही धाम है। जिस जगह जाकर कल्याण हो, आपका खुद काली कल्याण धाम, आपने नाम बहुत सोच के रखा, जहां व्यक्ति का जाने के बाद अपने आप कल्याण हो जाए वही तो धाम है। तो स्वयं हनुमान जी के दर्शन जिसको करने से यदि कल्याण होता हो, इसलिए जिसे सुख मिलता हो, पुण्य मिलता हो, प्रसन्नता मिलती हो, वही तो धाम। फिर अगली पंक्ति आई है, हेम शैलाभ देह, यानी हनुमान जी की देह स्वर्ण की पर्वत की आभा वाली है, चमक वाली है, अद्भुत चमक नजर आती है। हनुमान जी महाराज की देह काली नहीं है। आप कभी ध्यान से उनकी आंखों में देखना, मैंने ये प्रयोग देखा है यहां,
मैं झूठ नहीं बोलता, इस व्यासपीठ पे बैठ के मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। जिस दिन यहाँ हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, अपने अपने अंगों से एक एक धान्यादिवासन, जलादिवासन, अंत में प्राण प्रतिष्ठा होती, हृदय से हृदय मिला, लास्ट में ज्योति आंखों की खोली जाती है, तब हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने ये बोला कि सामने से सब हट जाए, ज्योति प्रवेश करेगी, बीच में कोई आएगा मुझे नहीं पता उसका क्या हश्र होगा। एक लड़की नहीं मानी, उसने कहा ये सब ढकोसला, उसने मन में सोचा होगा ऐसा। हनुमान जी की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वो लड़की बीच में आई और तुरंत जो ही नेत्र के वो पट्टा खोला है, वो लड़की बेहोश हो गई। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। जो लोग श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जो सोचते हैं ये पत्थर में क्या भगवान होगा, तो उनके हृदय में भी आत्मा है, इसका भी कोई प्रमाण उनके पास नहीं। ये भाव है आपके। हनुमान जी के हेम शैलाब देहम का मतलब यही, जो पर्वत के समान, पर्वत कभी आपने देखा, पर्वत कभी हिलता डुलता, पेड़ तो हिलता है, नदी भी कमजोर हो जाती है, हवा भी कभी कभी चलती कभी नहीं चलती, लेकिन कोई अचल कौन है, अटल कौन है? ये मांसला बन रहा भाई वैसा ही है जैसा मेरे बचपन में मैंने देखा, अभी भी वैसा का वैसा ही है, अटल है। मुशेलाब देव, यानी उस शिखर के समान चमक रहा है हनुमान जी का शरीर जैसा था। आपने किसी ने हनुमान जी का बूढ़ा चित्र देखा, बच्चे वाला देखा होगा, गोल बटोल से एप्पल जैसे गोटा घुमाते, बड़े प्यारे लगते हैं, है ना, छोटे छोटे से गाल निकले हुए, हमको इच्छा होती है हनुमान जी को गोद में ले। लेकिन देखे हनुमान जी को पहाड़ उठाए हुए, उनको इच्छा होती है गोद में ले लो, दूर से ही प्रणाम, हाथ पीछे करना। महिलाओं के लिए ये बोला कि पवित्र भाव से हनुमान जी को प्रणाम नहीं करना है, न पुरुष को करना है न स्त्री को करना है, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में आसीन है राम लक्ष्मण जानकी। इसलिए ये बोला गया कि हाथ पीछे करके हनुमान जी को नमन कर लो। तुलसीदास जी ने तो आंखें भी बंद नहीं की कि मैं आंखें बंद नहीं करूंगा प्रभु, आपके सामने यदि मैंने नेत्र बंद कर लिए तो आपके अंदर जो राम जी की तस्वीर है, जो राम जी बैठे हुए, उनके मैं दर्शन नहीं करूंगा। हेम शैलाब देहम, सुंदरकांड इसलिए भी सुंदर है क्योंकि हनुमान जी कर्म के अवतार, किसके अवतार है? शरीर कितना भी सुंदर हो, आपके कर्म बुरे हैं तो यकीन मानना आपको कोई व्यक्ति सम्मान नहीं देगा। एपीजे अब्दुल कलाम, लटे निकली हुई उनकी हेयर स्टाइल ही ऐसी लगती जैसे कोई तेल से चिपका रखी हो। लाल बहादुर शास्त्री, अदना सा आदमी, हम उसे सम्मान से देखते हैं, मान देते हैं, उनके शरीर को देते हैं, उनके कर्म को देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम शक्ल से खूबसूरत नहीं है लेकिन उनके कर्म इतने खूबसूरत है, मानवता के लिए उन्होंने जो एक अपना एक स्टंट वॉल हार्ट के लिए जो इजाद किया, वो प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम की इजाद, इसलिए हम उसको सम्मान देते हैं। हनुमान जी के कर्म सुंदर है इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। बच्चा यदि नंगा भी हो, है ना, छोटा बच्चा नंगा हो तो भी सुंदर लगे, हम नहीं कह गए शेम शेम, हमको अच्छा लगे छोटा नंगा जैसा है। गांधी जी आधे नंगे लेकिन हड्डी वाले बाबा, एक लंगोटी धारण की भी लेकिन सुंदर लगते हैं, माला पहनाते हैं, नमन करते हैं राष्ट्रपिता। व्यक्ति ने तो पोशाक से सुंदर होता है, न चेहरे से सुंदर होता है, व्यक्ति अपने कर्मों से सुंदर होता है। सारा देश मुग्ध था महात्मा गांधी पे, इसलिए कि उनके कर्म महान थे। जाहिर है व्यक्ति सुंदर नहीं, उसके कर्म सुंदर है, इसलिए हमारा ध्यान हनुमान जी के शरीर पर कम, उनके कर्मों की ओर जाता है, इसलिए इस सुंदर का
कांड का नाम सुंदर कांड है। फिर दूसरा सुंदर क्या है, मतलब कई तो काम कर रहे हैं राम जी का, राम जी का काम मतलब ही का काम नहीं है, सारी दुनिया का काम है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा ऐसा काम जिससे लोक कल्याण हो, सारी दुनिया का कल्याण हो, केवल केवल राम जी का कल्याण नहीं हो रहा, सारे राक्षस मरेंगे, रावण जैसा राक्षस मरेगा तो सारे समाज का कल्याण होगा, ये भाव रखकर जो सर्व कल्याण के लिए काम करे वही सुंदर है। इसलिए सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड। वो योद्धा बनकर नहीं गए, हनुमान जी को योद्धा बन के नहीं भेजा, जाके जा रहा रावण के खोपड़े में एक जोर की मारना, सीता जी को कंधे पे उठा के ले आना, कर सकते थे हथौड़ा ठुकाई करके आना। हाँ, पहला डायलॉग क्या था हनुमान जी और रावण के बीच पता है, रे बंदर, तो हनुमान ने बोला था बोल दस्कंदर, दो मिनट में काम लगा दूंगा लेकिन मुझे आज्ञा नहीं, एक हाथ में गदा है, हनुमान जी के एक हाथ में गदा है, यहां तो मेडिटेशन पोजीशन है अपने, वहां एक गदा का मतलब सदैव रक्षा का आश्वासन है, मैं रक्षा करने के लिए तैयार हूं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, उनकी गदा से भूत भी डरते हैं तो इंसान की क्या बिसात है, हाँ? ये संजीवनी है, हनुमान जी की चौपाइया संजीवनी का काम करती है, आप हनुमान जी मस्त है, हाँ? बस कैसे है बैठे कीर्तन कर रहे हैं, राम 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 राम, फक्कड़ है न ताज है, हनुमान जी ने कोई जेवर पहने कोई नहीं पहने, ये तो हमने बाद में पहना दिया, सिर्फ लंगोट पहनी, एक लंगोट बस, पांव में जूते भी नहीं, खड़ाऊ भी नहीं है, और जो हनुमान जी को बुलाया उसी के हो रही है। हनुमान जी को बहुत ज्यादा जैसे गणपति जी को बहुत मनवार करनी पड़ती, महाराज पधारो गुड़ गुड़ का, फिर उनको गणपति अधर शीष की पूजन करना पड़ता है, महाराज पधारिए, फिर उनको लड्डू के भोग लगाने पड़ते हैं, हनुमान जी कुछ नहीं आप पधारो ये तेल महाराज आपके चमेली का तेल चढ़ा तो हो गया, हर क्षण नए ऊर्जावान हनुमान सत्य पर अडिग रहने वाले। हम सब सुंदरकांड में हम आगे बढ़े, आइए कीर्तन करें और अब हम सीधे इस सुंदरकांड की कथा को आगे बढ़ाए। बोल प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, को 14 वर्ष का वनवास है, वो किसी सेना की सहायता लेकर चाहते तो भरत से कहते कि भैया अयोध्या से सेना भेजते, लेकिन यहां राम जी ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, यदि मैं सेना बुलाता हूं तो मैंने जो व्रत लिया हुआ है उसका उल्लंघन होगा, इसलिए वानर सेना की सहायता ली है, भोजन की व्यवस्था करनी पड़े, हथियार भी नहीं है। ये कभी आपने ध्यान दिया कि कितनी विचित्र बात है, रावण जैसे योद्धा से लड़ने के लिए उनके पास सिर्फ अपने धनुष बाण है और बाकी पत्थर है, पत्थर बड़े बड़े विशाल पत्थर। हनुमान जी उड़े हैं, रस्ते में मिला है, तुरंत सबसे पहले कौन मिला,
अब मैनेजमेंट की लेसन से यहां शुरू हो जाए। पहली बाधा मेंढक पर्वत के रूप में कौन है? पहली बाधा क्या है? जोर से बोलिए, मेनाक पर्वत विशाल बाधा के रूप में सामने है। जब भी आप कोई काम बड़ा शुरू करते हैं तो बाधा हमेशा बड़ी बनकर आती है। हमको लगता है बहुत बड़ी बाधा है, लेकिन वो मेनाक पर्वत बाधा बनकर नहीं आया था। उसने निवेदन किया कि राम काज के लिए जा रहे हो, मेरे पर विश्राम करो। तब हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज किए बगैर मोहि कहां विश्राम। प्रभु राम का काम करने से पहले मैं कोई विश्राम नहीं करूंगा। फिर भी मेनाक ने कहा है, कोई बड़ी बाधा आए उसको नमस्कार करिए, आतिथ्य को स्वीकार करिए। ये मैनेजमेंट का फंडा बता रहा हूं मैं आपसे। ये मेनाक पर्वत इज ए सिंबलिक, इट्स वन हु ऑफर यू द प्लेजर्स ऑफ द लाइफ। इट डजेंट मीन दैट ही इज प्रोवाइडिंग यू द फैसिलिटी। मे बी ही वॉन्ट्स टू स्टॉप यू टू प्रोसीड फर्दर। शायद आगे रोकने के लिए आपको लालच भी दे रहा हो, ये चेक करने की व्यवस्था है। सब ऋषियों ने सोचा ये हनुमान जी कहीं बीच में ड्रैग तो नहीं करेंगे, whether he is going to drag out for relaxation or not, it is a test period basically। सुरसा को भी ऐसे ही भेजा, लेकिन जो ही हनुमान जी ने लेकिन उसके आतिथ्य को स्वीकार किया। जिस किसी के घर में, ये नोट कर लेना आज के बाद, जिसके घर में कोई भी अनजान व्यक्ति भी आता है, अतिथि बनकर आता है, किसी काम से आता है, वो अगर आपके घर से पानी पिए बगैर भी चला जाता है तो आपके पुण्य का हरण करके ले जाए। कभी घर में आए व्यक्ति का अनादर मत करिएगा, उसे अवसर दीजिएगा, उसे एक गिलास पानी पिलाकर भेजिएगा। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि पहले गुड़ और चने और पानी, ये सामान्य व्यवस्था थी। आने वाले को गुड़ चना खिला देते थे, वो पैदल आता था ताकि उसको ताकत मिले, और पानी पी के फिर चला जाता। कितनी महान व्यवस्था थी। आजकल हम अतिथि स्वीकार कैसे करते हैं, अतिथि को कैसे स्वागत करते हैं? बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्ते से सावधान। अब कुत्ते से सावधान अतिथि का स्वागत हो रहा है। जैक कमोन, अब जैक छोरे का नाम है और मोहन कुत्ते का नाम रखा हुआ है, नाम भी उल्टे उल्टे रखे हुए। कुत्ता बिस्तर पर सो रहा है, घर का बच्चा आया बेचारी खिला रही, कुत्ता वहां सो रहा है। आजकल उल्टा काम है। तुलसीदास जी ने कहा कि मेनाक पर्वत को नमन किया है, बार बार रघुवीर संभारी तरकेउ पवन तनय बल। निवेदन करके मेनाक पर्वत को हाथ जोड़ा है, उसको छुआ है, छुआ और पांव का स्पर्श हुआ है, मेनाक पर्वत नीचे बैठ गया संतुष्ट। दुनिया में आने वाले व्यक्ति को मैं और मैनेजमेंट का फंडा देता हूं, आपके ऑफिस के बाहर कोई मिलने आए, मेरे ऑफिस के बाहर खुला ही रहता है, देयर इज नो नीड टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ स्लिप, सीधे आइए मिलिए। बच्चे भी सीधे आते हैं, ठीक है, अंदर कोई होता तो दो मिनट रुक जाते हैं, लेकिन खुला खाता राम दरबार आइए, किसी के लिए कोई मना ही नहीं है। दुनिया की आधी व्यवस्थाएं जो मैनेजमेंट संभालते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया में आधी समस्याएं तो वही हल हो जाती है जब आप आगत का स्वागत कर लेते हैं। यदि प्रेम से आपने आगत का स्वागत कर लिया तो आधा वो गुस्से में आएगा तो वैसे ही हवा उसकी खिसक जाएगी और
कभी कभी गुस्से में कोई, आपके माँ बाप भी गुस्से में हो, आपके टीचर गुस्से में, एक काम कर लेना, सीधे साष्टांग दंडवत कर लेना, जैसे कल तारा से कराया ना, हनुमान जी ने तारा को बोला दंडवत, लक्ष्मण जी के कर, राम जी के नहीं करवा, मैंने लक्ष्मण के करा, शेषनाग इनको प्रणाम कर, ये गड़बड़ नहीं होगी। यहां मेढक को उन्होंने कथा को हम आगे बढ़ाते हैं, बहुत लंबी कथा है, अभी हम अटके हुए यहीं पर, पांव से दबाया है, मेढक पाताल में गया है, तुलसीदास जी समुद्र के ऊपर है, तीर की तरह चल रहे हैं, जिमी अबोग रघुपति कर बाना, यही भांति चले ही हनुमान, यानी तीर की भांति, पवन कैसे चलती तेजी से, तीर की भांति चले हैं, यह हनुमान जी की यह विनम्रता है, मेनाक के चरण स्पर्श करके उसको पाताल में भेजा है। आगे फिर दूसरा विघ्न आता है, ये पहला तो हो गया आराम, टेस्टिंग, प्रलोभन, लालच, अब बल, पहला टेस्ट क्या हुआ, लालच, देखे बाइंग ब्राइबिट, इसको पैसे से खरीद लो, नहीं खरीदा जा सका, अब इसको ताकत दिखाओ, हनुमान जी को ताकत दिखाई, किसने दिखाई, सुरसा को भेजा, तीन विघ्न है, आकाश में, अब ये पानी में, अब धरती पे बाद में आएगी, ये सुरसा पानी में आई है। ए बंदर किधर जा रहे हो, मैं नागों की मां हूं, क्या बोला उसने सुरसा ने, मैं सर्पिणी हूं, मैं तुझे खा जाऊंगी, मुझे भूख लगी, मुझे तुझे खाना है, क्या माते मुझे अभी राम काज में जाना है, इनको थोड़ा, इन बच्चों को उधर ले लो, इस पिलर से उधर ले लो, मुझे माते अभी राम काज में जाना है, आप कृपा करके मुझे पहले उनको जाने दे, फिर आप खा लेना। चराचरनाथ, हनुमान जी ने क्या शब्द यूज किया, चराचरनाथ, आप बातें हैं, सुरसा को बहुत सुंदर हनुमान जी ने निवेदन किया, आप मां हैं, और लड़कियों सुनना, स्त्री ही स्त्री के दुख को समझती है, एक लड़की एक लड़के के, लड़की के कष्ट को समझ सकती, लड़का नहीं समझ सकता, एक स्त्री स्त्री के कष्ट को समझेगी, दो स्त्रियां मिलेगी जो अपने पति को नहीं कह सकती, वो दोनों सहेलियां आपस में बात करके कर लेगी, नहीं उनको कहना बेकार है, कोई समझेंगे नहीं, तू ही समझ, और फिर दोनों बिना ही कहे रोने लग जाएगी, जोर जोर से रोएगी, आपस में रो रही है, टेसू मारी है, क्यों रो रही है, नहीं बस यही खुशी के मारे निकल रहे हैं, श्री राम, ये खुशी के है कि दुख के है भगवान जाने, लेकिन तेरे मन की तू जाने, मेरे मन की राम, सासों की माला पे सिमरू मैं, पी का नाम, स्त्री स्त्री के दुख को समझ सकती है, स्त्री के अंदर की पीड़ा पुरुष मन कभी नहीं समझ सकता, इसलिए पुरुषों को स्त्रियां अपने मन की पीड़ा कभी नहीं कहती। अब हनुमान जी ने कहा कि माता आपको खाना है तो खाओ, तो हनुमान जी ने शरीर बड़ा करना शुरू किया, सुरसा ने भी मुंह बड़ा करना शुरू किया, ये जो जो सुरसा मुंह बड़ा हुआ उर्र, हनुमान जी और डबल हो जाए, खाओ ना माते खाओ, उर्र, इतना बड़ा शरीर, बुद्धि से काम किया, बल बुद्धि, हाँ बल बुद्धि विद्या देहु मई हरऊ कलेश निकाल, या बुद्धि से काम किया हनुमान जी, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेष, सुरसा नाम अहिन के माता, पढ़ई इन्हीं आई कही तई बाता, आज सुरन मोई दीन अहारा, सुनत वचन कह पवन कुमार, माता जी मैं पुनः आपके पास आऊंगा और आप मुझे अपना ग्रास बना लीजिए, और जो ही सुरसा ने इतना बड़ा मुंह किया है, हनुमान जी ने तुरंत छोटा सा मुंह शरीर धरा है और उसके मुंह में जाकर निकला है, यानी सामने वाले की भी रह जाए अपनी भी रह जाए, टसल से बची है, टसल से बची है,
लड़ाई से बचिए, वाद विवाद से बचिए, बीच का रास्ता निकालिए। मैनेजमेंट का दूसरा सूत्र, जो लोग बीच का रास्ता निकालते हैं वो दूसरों के ईगो को सेटिस्फाई कर लेते हैं। दिस इज अनादर मैनेजमेंट फंडा। इफ यू वॉन्ट टू सेटिस्फाई अदर्स ईगो इन ए वेरी डिफरेंट मैनर विच विल नॉट स्पॉइल अदर्स वर्क, इट मीन्स यू आर नॉट नरिशिंग अदर्स ईगो बट गिविंग देम ए सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई एंड एंसर टू सेटिस्फाई देयर ओन ईगो। दिस इज अनादर फॉर्मूला ऑफ मैनेजमेंट। ये दूसरा सूत्र। अगर आपने सामने वाले की बात को थोड़ा स्वीकार करके और अपनी बात भी मनवा ली और उसकी बात को भी रख ली तो सफलता का सूत्र यहां सुरसा के माध्यम से प्राप्त हुआ। इसलिए प्रबंधन के, यदि जीवन प्रबंधन के कोई महत्वपूर्ण गुरु हो सकते हैं तो वो हनुमान जी महाराज हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने लड़ाई नहीं करी, सुरसा के मुष्टि प्रहार नहीं मारा, ये ब्रह्मा जी के द्वारा भेजी गई थी कि टेस्ट हनुमान वेदर ही इज कैपेबल रामाज वर्क और नॉट। वो करने के लिए सक्षम है, एक नहीं है, है। आगे धरती पर सिंह का मूर्ति है, मशक समान रूप कपि धरई, मच्छर नहीं बने। यहां पर सिंह का नाम की एक राक्षसी। अब ये एक मैनेजमेंट का तीसरा सूत्र है। ये जीवन में हर व्यक्ति के साथ एक बात होती है, सिंह का हर एक के साथ चलती है। सुनना इसे बच्चों, जो व्यक्ति नकारात्मक सोच लेकर चलता है ये सिंह का क्या करती है, उड़ने वाले पंछी को नहीं पकड़ती, पंछी डर जाएगा, पकड़ेगा तो वो उड़ के भाग जाएगा। वो क्या करती है, ऊपर जो पंछी उड़ रहा है उसकी परछाई नीचे पकड़ती है। शी ग्रेप्स द डार्क साइड रिफ्लेक्शन। जीवन में जो भी अच्छा काम करोगे तभी आपके लोग आपके अंदर आपकी नेगेटिव साइड, डार्क साइड ऑफ द मून। श्री राम। बोलिए आज के मुख्य यजमान की। इनके इनका दोष नहीं, बैठो बैठो, इनके अंदर हनुमान जी साक्षात प्रकट हो गए थे, इसका मुंह तोड़ रहा था साले राक्षस। कोई बात नहीं, बच्चे हैं। जो व्यक्ति जितना बड़ा काम करता है उसके विरुद्ध काम करने वालों की संख्या उतनी अधिक होती है। जो लोग अच्छा काम करते हैं और उनका विरोध हो तो उनको कभी घबराना नहीं चाहिए। जिसका विरोध नहीं हो रहा समझ लेना कि वो जीवन में अच्छा काम नहीं कर रहा। भाभी जी, अगर विरोध है आपका तो समझ लेना कि आप अच्छा काम करो, क्योंकि जो जो हम आगे बढ़ेंगे हमारे विरोध करने वालों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। इसको जब तक आप समाप्त नहीं करोगे राम काज में आप सफल नहीं हो सकते। अच्छे काम में सफल होने के लिए आप सिंह का मर्दन मत करिए। क्या बोला, उसके सामने छोटे हो जाए। श्री राम।